गुस्सा गुस्सा हो ये बढ़िया तालियां बजाई जा रही है। ओहो, ये तालियां क्यों बजा रहे हो? कौन सी खुशी आई है? शादी होने लगी? शादी होने लगी आपकी? अभी तो बहुत छोटे हो, अभी से शादी? कोई नहीं, शादी का दिन की शादी नहीं होनी, अभी शादी नहीं होनी आपकी, अभी नहीं शादी होनी आपकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जान खुश होंगे। तो आज फिर हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं किचन में। तो आज की जो रेसिपी है बड़ी मजेदार है, सबके लिए, छोटे बड़े, सर्दियों में बहुत शौक से खाई जाती है। शवेर क्यों शोर मचा रहा है? आपको कौन सी खुशी चढ़ी है भाई? शवेर जो है इधर बहुत खुश मूड में है, हैप्पी मूड में। ये भी ट्राई करने जा रहा है हमारी रेसिपी। ये तो इधर हम लोग जो है रेसिपी बनाने जा रहे हैं, उधर जो शवेर है वो अपना एंजॉय कर रहा है और हमारी जो रेसिपी है उसको देख रहा है कि कैसे काम कर रहे हैं, और मुझे कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं वो उसका वेट कर रहा है बैठ के। तो आज की जो रेसिपी है माशाल्लाह स्पेशल है मौसम के हिसाब से, क्योंकि ये सब छोटे बड़े और बच्चों की जो है ना पसंदीदा है, और बड़ी मजे से ये पी जाती है, खाई नहीं जाती ये पी जाती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी देसी तरीके से चिकन वेजिटेबल सूप। चिकन वेजिटेबल सूप बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है वो हम आपको बता देते हैं। चिकन वेजिटेबल सूप बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए उसमें चिकन है और सब्जियां हैं। सब्जियों में मैंने गाजर, शिमला मिर्च और गोभी ली है, और साथ में ये मिर्चें मैंने सिरके में डबो के रख दी हैं, और ये एग है, और साथ में ये चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका है, ये जीरा पड़ा है, और ये काली मिर्च, और ये साथ में सॉल्ट पड़ा हुआ। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें भी भूख लगी है, हमने भी खाना है, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं। और हमारे साथ जो श्वेत बैठा हुआ है साइड में वो शोर कर रहा है, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना, वो बहुत तंग कर रहा है, वो एक्साइटेड हुआ है और वो अपनी मस्ती में जो है ना नारे लगा रहा है। ये देखो, ये बात नहीं आ रहा, ये हमें जो है ना तंग कर रहा है यार। श्वेत आप तंग कर रहे हैं आज, आप आराम से बैठ जाओ, आप तंग कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो? सबसे पहले जो है चिकन को बॉयल करना है। चिकन को हम बर्तन में डालते हैं और पानी डाल के इसको जल्दी जल्दी बॉयल करते हैं, उसकी जो है ना यखनी तैयार करते हैं। तो बर्तन रखे, और बर्तन के अंदर जो है ना ये मैंने पानी डाल दिया है तकरीबन 1.25 लीटर। तो इस 1.25 लीटर पानी के अंदर ये चिकन है तकरीबन जो है ना एक बाउल है, तो ये मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे, इसको अंदर डाल देते हैं। और पानी के अंदर चिकन डाल दिया है, और इसके अंदर हम एक चम्मच जो है ना सॉल्ट ला लेंगे। इसकी हमने यखनी तैयार करनी है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, हम इसको कवर करके रख देते हैं, इसकी यखनी बन जाएगी। तो फिर अगला प्रोसीजर जो है वो करेंगे, और बाकी जो ग्रीन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम लोग इसमें डालेंगे। हमारा चिकन बॉयल हो गया है अच्छी तरह, चिकन को निकाल लेते हैं प्लेट में। माशाल्लाह खूबसूरत यखनी बन के रेडी हो गई है। अभी जो है इसमें से चिकन निकाल लेते हैं और उसके ना रेशे कर लेते हैं। ये जो इसको रिश्ते करने वाला काम है ये शवेद की मामा को देते हैं, और तब तक जो है ना मैं सब्जियां जो है ना उसी पानी में उनको हल्का बॉयल कर लेते हैं, ताकि वो भी सूप में मिक्स हो जाए और अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें गाजर डाल लेते हैं, ये शिमला मिर्च, बंद गोभी। इधर जो है शवेद की मामा ये चिकन के रिश्ते बना रही है, तो फिर हम मिक्स करके अच्छा सा सूप बनाते हैं। और इधर शवेर जो है ना अपने काम में मसरूफ बैठा है, किसी चीज की रिसर्च में बैठा हुआ, ये चेक करेगा, ऐसे बैठा है कोई रिसर्च कर रहा हो किसी चीज पे, तो ये रिसर्च कर लेता है। तब तक हम सूप बना लेंगे, और आज हम शवेर को भी सूप ट्राई कराएंगे इंशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह कोई गहरी रिसर्च हो रही है शवेर। क्या रिसर्च हो रही है? किस चीज पे गौर फिक्र हो रहा है? हाँ जी ठीक है, आप कंटिन्यू करें। तो इधर जो है हमारी सब्जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से बॉयल हो रही है, बहुत जबरदस्त लग रहा है, लगता है माशाल्लाह जो है ना
बहुत जबरदस्त बनने वाला है माशाल्लाह। और चिकन जो है माशाल्लाह अच्छी तरह मैश हो गया, देखें बारीक बारीक कैसे रेशे बन गए इसके, बहुत खूबसूरत। तो अभी इसको वापस उसी पानी में डालते हैं और थोड़ा इसको बॉयल करते हैं। चिकन वापस मैंने यखनी वाले पानी में डाल दिया है, अब थोड़े से वो मसाला जार डाल देते हैं। एक चम्मच से कम हम इसमें काली मिर्च डालेंगे और जाएगा जिसमें पिसा हुआ जीरा, और जीरा तकरीबन जो है एक चम्मच इसमें जीरा डालेंगे पिसा हुआ। और साल्ट जो है ऑलरेडी मैंने कुछ डाला हुआ था और थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं हसबे जायका। अभी कुछ देर के लिए इसको पकाएंगे और फिर कॉर्नफ्लोर जो है ना ये कुछ हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको पहले पका लेते हैं। माशाल्लाह ये इस कंडीशन में अभी पहुंच गया और लुक में देखें तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत और हेल्दी लग रहा है, क्योंकि इसमें चिकन के साथ मैंने वेजिटेबल्स भी डाली हैं ताकि जो सूप है और हेल्दी हो जाए। सब्ज मिर्चें थी वो स्किप हो गई थी तो वो मुझे याद आ गया अभी टाइम है, तो वो मैं सब्ज मिर्चें भी इसमें डाल लेता हूँ। एक अंडा डाल देते हैं और उसी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। आप बॉयल करके भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हमने देसी और सादे तरीके से बना रहे हैं तो हम इसको उसके अंदर मिक्स कर देंगे और उसके अंदर ही हुई अंडा जो है ना पक जाएगा। तो इसको अच्छी तरह जो है ना हिलाते रहना ताकि जो ना उसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, वो एक ही जगह पे ना टूट जाए। चिवेर की शोर करा रही इधर क्या हुआ है? हाँ? अब शोर नहीं करना। ओके अभी जो कॉर्नफ्लोर के दो से ढाई छोटे चम्मच पानी में डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर सूप में डालेंगे। ज्यादा कॉर्नफ्लोर इसलिए नहीं डालते क्योंकि उससे एक तो ये ज्यादा थिक हो जाता है और दूसरा ये कि उससे ज्यादा हैवी हो जाता है सूप जो है ना, और फिर ज्यादा खाया नहीं जाता। और हम जो है ज्यादा इंजॉय करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा ना पतला रखेंगे, क्योंकि शवेज को भी पिलाना है और हम लोगों ने भी पीना है, तो हम थोड़ा कम डालेंगे, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अभी जो है कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, अभी इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अभी माशाल्लाह ये देखें पक के गाढ़ा होना शुरू हो गया, अभी ये चेक करें कि गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया कॉर्नफ्लोर की वजह से। शवेज के लिए हमने थोड़ा पतला पतला जो है ना सूप निकाल लिया है और सिरका डाले बगैर, तो अभी हमने अपने वाले सूप में डालना है सिरका और सोया सॉस और चिली सॉस, तो वो डाल लेते हैं। 1.5 चम्मच जो है सिरका जाएगा और 1 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर। तो जब हम खाने लगे तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसको ना, जितना सोया सॉस डाला है उतना ही हम चिली सॉस डालेंगे। फाइनली जो है हमारा सूप बन के रेडी हो गया है, चिकन वेजिटेबल सूप। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं कैसा बना। तो अभी सूप को बॉल में डाल के टेस्ट करते हैं कि वो कैसा बना है, तो मैं अभी बॉल में डाल लेता हूं और टेस्ट करके फिर आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने घर पे ट्राई करके टेस्ट करना। ये मैंने कुछ चिकन बचा के रखा हुआ था वो थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं और इसके ऊपर हम चिली थोड़ा सा चिली सॉस और सोया सॉस भी डालेंगे और सिरका भी डालेंगे अपने टेस्ट के लिए। तो फाइनली जो है हमारा सूप बॉल रेडी हो गया है, अभी टेस्ट करते हैं। मैंने इसको थोड़ा पतला बनाया हुआ है, आप लोग इसे थोड़ा थिक बना के अपनी मर्जी के मुताबिक उसको गाढ़ा बना सकते हैं। तो मैं चेक करता हूँ अभी। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बना है देसी स्टाइल में, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। और हमारे साथ शवेद जो है पीछे बैठा वेट कर रहा है कि मुझे कब मिलना खाने को। हम लोग जो है शवेद साहब सूप एंजॉय करते हैं और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। अभी जो है हम लोगों ने सूप मजे से एंजॉय किया है और शवेद ने नहाया और फ्रेश होकर दोबारा वापस आ गया, तो उसको हमने कंबल में लपेटा हुआ ताकि ठंड ना लगे। शवेद को हमने थोड़ा सा खिलाया था, ज्यादा नहीं खिलाया था क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिर्चें जो थी ना इसके हिसाब से ज्यादा थी, तो इसको नहीं खिलाया। तो हम लोगों ने एंजॉय किया क्योंकि मजे का बना हुआ था, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। शवेद के लिए एक न्यू आइटम हम लेके आए थे जी, ये तो ये बेबी फीडर स्पून है, इसके पीछे इसका फीडर लगा हुआ है, टंकी लगी हुई है और सामने जो है स्पून लगी हुई है और बच्चे को बहुत ही इजीली आप उसको फीड करवा सकते हैं ऐसे। ये वैसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ये
वाला इसका लॉक है, जब आप यूज कर लें तो इसको अच्छी तरह धो के लॉक लगा के रख दें, और फिर जब दोबारा यूज करना हो तो इसको रिमूव करके आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और फायदेमंद चीज है बच्चों के लिए। अभी जो है शवेद और मेरी मस्तियां शुरू हो गई हैं, शवेद जो है खेलना शुरू हो गया, ये देखें क्या कर रहा है मेरे साथ, ये मुझे बहुत, ये देखें जी शवेद और मेरी फाइट चलती रहेगी। वीडियो को खत्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।